अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज 4-5 दिन के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ। गाइज़ क्या करूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब वीडियो अगर बन जाती है कभी तो फिर उसको एडिटिंग के लिए वो रहती है, फिर टाइम निकाल के एडिट करो। फिर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और देन मैं अभी इसको अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह अभी सैटरडे से इंशाल्लाह कंटिन्यू वीडियो रहेगा, क्योंकि 10 डेज़ की हुरैन की विंटर वेकेशन है। तो इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट वो 10 डेज़ तो मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि ये हुरैन ने एक सीक्वेंस वाला ड्रेस पहना है, जो कि इसकी बुआ ने इसे गिफ्ट किया था और इसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत नाटक करती है पहनने में। एक्चुअली ये थोड़ा सा मोटा है तो बहुत इसको पापड़ बेलना पड़ता है ये ड्रेस पहनाने के लिए। पहनती है तो अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह ड्रेस इसके ऊपर। बट आज मैंने इसको पहनाया है ये बोल के कि ये ड्रेस आज जादू करेगा। तो आप देख सकते हैं ये ड्रेस आज जादू कर रहा है। तो ये मैजिकल ड्रेस इसकी बुआ ने इसे गिफ्ट किया है। तो अभी ये पहन के इसको करेगी और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इसको कम्फर्टेबल ड्रेस मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर ये गाइज हुरैन का बैच है जो हुरैन ने स्कूल से मतलब जीता है। अभी हुरैन के पास 2 बैच हो चुका है, अभी 70 बैच बाकी है जो आफ्टर 6 मंथ में उसे कलेक्ट करना है इंशाल्लाह ताला। तो हम स्कूल गए थे हुरैन के लिए यही बैच लेने के लिए, जैसा कि आप उसके स्कार्फ पर देख सकते हैं गाइज 2 बैच लगाए माशाल्लाह, मुझे तो बहुत खुशी है। पाने वाले बच्चों ने 3-3 बैच भी पाया है, 4 बैच भी पाया है, बट मेरे लिए मेरा बच्चा इतने ही कर लिया काफ़ी है। क्योंकि हम अपने बच्चों को दूसरे से कंपैरिजन करेंगे कि अपने आगे वालों से कि उसके देखो उसको देखो, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो मैं कभी भी ना पीछे वालों को देखती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे बेहतर हूँ। तो कई बच्चे ऐसे भी कि जिनको एक ही बैच मिला है, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि हुरैन के पास तो 2-2 बैच है और इंशाल्लाह ताला आफ्टर विंटर वेकेशन 1 बैच हुरैन और जीत लेगी और परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इंशाल्लाह 72 बैचेस हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी। तो यहाँ पर गई फरीन आई हुई है घर पर और ये मेरा सामान समेट रही है मुझे ले जाने के लिए, कि अभी हुरैन का एग्ज़ाम भी है, राइटिंग भी है, ओरल भी है, तो कुछ भूलना नहीं। मैं सारा सामान रख देती हूँ बैग में और जब हुरैन को ट्यूशन से लेकर आना तो फिर हम चलेंगे धरावी। तो यहाँ पर वो मैं हुरैन का कपड़ा प्रेस कर रही हूँ, जो कि आपको पहले से पता है कि मतलब मैं उसको आयरन करके ही कपड़ा पहनाती हूँ, ऐसे नहीं पहनाती हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पर मेरा सामान पैक कर रही है। उसके बाद मैं हुरैन फरीन को छोड़ कर मैं गई हूँ हुरैन को ट्यूशन से लेने। तो ये जगह जो है ना गाइज रस्ते में पड़ती है, ये तबेला जो जिसके मतलब बहुत, और यहाँ पर जो है ना बुफेलोस और काओ बहुत सारी मतलब दिख जाती हैं कहीं पर भी, मतलब दिखती ही दिखती हैं। तो हुरैन को थोड़ा सा अच्छा लगता है बट दूर दूर से। और आज के दिन हुरैन के साथ क्या हुआ था ना गाइस, कि उसे ना मतलब एक छोटी सी बच्ची, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये लाइक 1.5-2 साल की बच्ची है, तो ये जो एकदम बुफेलो से एकदम फ्रेंडली थी, तो इसको देख के ना हुरैन को भी थोड़ा हिम्मत मिली, हौसला मिला कि मैं इसको टच करूँगी वो करूँगी। और पहले की वीडियो तो जो मैंने बनाई थी वो मुझसे मिस हो गई गाइज। एक्चुअली फ़ोन हुरैन के हाथ में रहता है तो काफ़ी सब कुछ डिलीट हो जाता है, तो वो वीडियो तो और अच्छी थी जो स्टार्टिंग की वीडियो थी। अभी तो इसमें हुरैन के दिल का डर निकल चुका है मतलब बुफेलो को टच करने का। इसके पहले तो ये मतलब इतना फ़नी वीडियो था वो, माशाल्लाह वो डिलीट हो गया मेरे से। तो यहाँ पर हुरैन बुफेलो को टच कर रही है और अपने दिल का डर निकाल रही है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची से ही इसको हौसला मिला है। शायद उसके डैडी जो है उसको डेली यहाँ पर लेकर आते हैं मतलब बुफेलो के साथ खिलाने के लिए। और हुरैन के डैडी जब हुरैन थोड़ी मतलब इस एज में थी तो इसे बकरे के पास लेके जाते थे, तो हुरैन बकरा फ्रेंडली है। बट अभी भी ये थोड़ा बहुत डरती है छूने में, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो गई और काफ़ी टाइम मतलब लॉन्ग टाइम हो गया इनसे सामना नहीं हुआ। बट अभी कभी बकरे सामने आते हैं ना तो इसको दूर से अच्छे लगते हैं और नज़दीक जाने में इसको डर लगता है। बट अभी इंशाल्लाह वो फैलो छूने के बाद तो वो भी डर निकल गया होगा इसका। तो देख सकते हैं आप इसको कितना प्यार से सहला रही है, और हुरैन से ज़्यादा ये बच्ची कितना, ये तो मतलब उसके मुंह में भी हाथ डाल दी इसने बैल के मतलब बुफेलो के मुंह में, और
अल्लाह का शुक्र है कि उसने कुछ किया नहीं, बट ये बच्चे की हिम्मत है और उसके पेरेंट को सलाम है कि मतलब इतने बड़े जानवर के सामने इतना छोटा सा बच्चा छोड़ दिए। और मुझे भी डर लग रहा था, मैं एकदम अलर्ट होकर वीडियो बना रही थी कि जहाँ बुफेलो की मूवमेंट इधर उधर भी मैं अपना बच्चा खींच लूँगी, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि ये ऐसे जानवर है नहीं, ये जो है पालने वाले जानवर है, तो ये ऐसे नहीं होते, डोमेस्टिक एनिमल इन्हें ही कहा जाता है। तो गाइज़ आज की मेरी वीडियो में यही है और इंशाल्लाह ताला वीडियो अब आपको डेली मिलेगी। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ गाइज़, कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाता है, जैसे भी होता है मैं अपलोड करती हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह।